हेलो दोस्तों, केरल में हाल ही में जटायु की एक बहुत खूबसूरत प्रतिमा बनाई गई है, जिसे देखने ज़रूर जाइए। चलिए आज इस प्रतिमा के विषय में जान लेते हैं, इसको पहचान लेते हैं। यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स, इसको किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या इसका ऐतिहासिक संबंध क्या है और यह कहाँ स्थित है। अभी नया नया बना है तो ये करंट अफेयर्स में ज़रूर पूछा जाएगा, जिसका मैं मतलब ये 101% श्योर, इसको तो आना ही है एग्ज़ाम में। चलिए शुरू करते हैं। इस भारतीय आर्टिस्ट ने बनाई है दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की प्रतिमा, जो कि भारत में ही स्थित है। केरल घूमने के लिए वैसे तो आपके पास कई वजहें होंगी, लेकिन एक वजह और है जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। ये है जटायु अर्थ सेंटर, जहां पर किसी भी पक्षी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा मौजूद है। ये प्रतिमा रामायण के एक अहम पात्र जटायु को समर्पित है। आइए इस पार्क के बारे में विस्तार से जानते हैं। जटायु अर्थ सेंटर पार्क बनाने के आश्रय फिल्मकार राजीव अंचल को जाता है। तो राजीव अंचल जी ने बनाई है जटायु की प्रतिमा। तो जटायु जटायु राजीव क्या है, जीव जीव ही तो है जटायु, जटायु एक जीव है। तो राजीव अंचल को जाता है, उन्होंने भी इस पार्क को बनाने की योजना बनाई थी। इसे बनाने का सपना उन्होंने अपने कॉलेज के समय में देखा था। तब कॉलेज को उनका आइडिया पसंद तो आया था, लेकिन ये सपना साकार ना हो सका। लेकिन बाद में केरल सरकार को उनका ये प्रस्ताव पसंद आया और साल 2008 में इस पर काम शुरू हो गया। इसे बनाने में 10 साल लग गए। अब ये केरल का फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। ये नेशनल पार्क उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर त्रेता युग में जटायु ने रावण का सामना किया था। वर्तमान में जगह केरल के कोल्लम ज़िले के चदियामंगलम गाँव के नाम से जानी जाती है। ये है जटायु की कहानी। त्रेता युग में जब रावण सीता को अगवा कर ले जा रहा था, तब उसका सामना जटायु नाम के पक्षियों के राजा से हुआ था। रावण ने जटायु के पर काट दिए थे उसके, जिसके कारण वो उन्हें रोक नहीं पाए। बाद में जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता को तलाशते हुए वहां पहुंचे, तो उन्होंने ही रावण द्वारा सीता के अगवा किए जाने की खबर राम को दी थी। इसके बाद जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए थे। लक्ष्मण ने उनका अंतिम संस्कार किया था। तभी से ही केरल की ये जगह काफ़ी फेमस है, जहाँ पर एक मंदिर भी बना है जो जटायु को समर्पित है। मगर राजीव अंचल ने इस नेशनल पार्क को किसी खास धर्म को ना समर्पित करते हुए एक पक्षी को डेकोरेट किया है, एक ऐसे पक्षी के लिए जिसने एक महिला की जान को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। उनका कहना है कि ये पार्क सभी धर्म के लोगों के लिए है। जटायु की ये प्रतिमा 200 फीट की है, 75 एकड़ में फैले इस पार्क को 1000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। लिफ्ट में से इसके अंदर जाकर आप ऊंचाई से बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, जिसमें 10 मिनट की फिल्म की मदद से लोगों को जटायु के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर एडवेंचर और मनोरंजन के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर लोग रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, पेंटबॉल, राइफल शूटिंग का भी लुफ्त उठा सकते हैं। इसके पास में ही एक आयुर्वेद सेंटर और रिसॉर्ट भी है। इस बार केरल जाना, जटायु अर्थ सेंटर ज़रूर हो आना। और इसे बनाया किसने है, इसे बनाया है राजीव अंचल जी ने। चलिए ये जटायु पर ये बना वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।